हाँ हेलो। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा मैं है? अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। हैं? ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए तेरी ऐसी लड़की ब्यूटीफुल कर गई FM, it's hot. हेलो। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। काफी सारे लोगों को और काफी सारे आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स को लग रहा होगा शायद मैं आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। लेकिन हाँ, आपने दिल्ली का मजाक जरूर बना दिया है। आपने दिल्ली का मजाक तब उड़ाया जब आपने 526 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट बनाया। आपने दिल्ली का मजाक तब उड़ाया जब आपने विद इन 11 मंथ्स 60 करोड़ रुपए उड़ा भी दिए। आपने दिल्ली का मजाक तब उड़ाया कि जब पहले ऑड इवन की स्टडी के बाद आ चुका था कि ऑड इवन इज ए फेल्ड स्टडी, ऑड इवन से पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। IIT रूड़की की स्टडी कहती है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद श्रीराम इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं, जिसकी रिपोर्ट से मैं थोड़ी देर में भी डाल दूंगा। सिर्फ एक अथॉरिटी है जो कि दिल्ली के कंट्रोल में आती है, दिल्ली DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने कहा है कि मेजरेबल चेंजेस है, और दैट टू ऑन अ स्टडी जिसके अंदर उन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज नहीं किया। सिर्फ 20 मिनट कहीं रोड पर खड़े होकर उसके बाद उन्होंने स्टडी डाल दी। मतलब ऐसे बताओगे हमें ऑड इवन सक्सेसफुल है कि नहीं है? इतने पैसे फूकने के बाद प्लीज सर थोड़ी सी शर्म करो, हम लोग का मजाक उड़ाना बंद करो और ये मैड किंग की तरह एक्ट करना बंद कर दो। दिल्ली की जनता नॉर्मल है, हम कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे आप चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, आज ऐसा कर लेता हूं कल वैसा कर लेता हूं। प्लीज सर थोड़ा सा सोचो इस ऑड इवन के ऊपर। जो आप अपना नाम भुना रहे हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आपकी पार्टी में आप ही का दुश्मन बैठा है जो आपको आपकी सीएम की गद्दी से हटाना चाहता है। आइडिया वो दे देता है, आप इंप्लीमेंट कर देते हो, फोटो आप लगाते हो, बदनाम आप हो रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। और दिल्ली बोलते ना दिल्ली बड़ी खुश है, दिल्ली कोई खुश होश नहीं है आपसे, हर कोई इरिटेटेड है आपसे, हम परेशान हैं आपके ऐड देख देख के। तो प्लीज इतने घटिया पैसे, इतने बेवकार में पैसे वेस्ट करना बंद कर दो। 20 करोड़ रुपए में कुछ शेल्टर होम्स बन पाते, 60 करोड़ रुपए के अंदर तो हॉस्पिटल तक बन जाते हैं सर, और 526 करोड़ के अंदर तो दिल्ली का इतना भला हो जाएगा कि कोई आइडिया भी नहीं है। तो अब आप ये फालतू के ऑड इवन को बंद करके पोल्यूशन के रियल सोल्यूशन पर जाओ, रिसर्च साइंटिस्टों के पास जाओ कि कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। आप सिर्फ टॉक ऑफ द टेबल बने रहना चाहते हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट आओ चाहे कैसे आओ, कि जब भी लोग चाय पे बैठे तो केजरीवाल जी की बात हो, जब भी कोई बाहर बैठे तो केजरीवाल जी की बात हो। आप लोगों को हमेशा अपनी चीजों में उलझा के डेमोक्रेसी का कंट्रोल लेना चाह रहे हो। एक्चुअली मेजर काम तो आपने कुछ किया नहीं है, जिसके एड आपने दिल्ली में भी लगा दिए और बाहर भी लगा दिए। कोई मेजर काम आप कर ही नहीं रहे हो, जो छोटे छोटे कामों के थ्रू आप ऐड कर रहे हो उसकी वजह से सिर्फ आप डेमोक्रेटिक कंट्रोल लेना चाहते हो, वो भी इल्यूजन में फंसा के लोगों को। हम इल्यूजन में फंसने वाले नहीं है सर, स्टॉप चैलेंजिंग अस और हमारा पेशेंस चेक करना बंद कर दो। जिस दिन आप कोई अच्छा काम करोगे मैं सबसे पहला आदमी होगा जो आपके साथ खड़ा होगा, हाँ केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुमत से आए हो, आप लोकतंत्र से आए हो, प्लीज लोकतंत्र को रिस्पेक्ट करो, ये फालतू के ऐड के खर्चे बंद कर दो और बी अ नाइस CM। जय हिंद सर, जय हिंद।